हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल है आवासीय न्यायालय से संबंधित, और आप सभी जान रहे हैं कि अभी जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि 80 से 95% तक, 80 से 85 या फिर मुझे लगता है 90 से 95% तक आर्टिकल आपके इसी कोरोना वायरस को लेकर ही लिखे जा रहे हैं, इसी के संदर्भ में लिखे जा रहे हैं, या फिर बा आपके चाइना इंडिया या फिर अमेरिका चाइना के बीच जो शीत युद्ध की स्थिति बन चुकी है उससे संबंधित आर्टिकल लिखे जाते हैं। और आपका मुझे लगता है कि क्वेश्चंस जो भी बनेंगे आपके इसी से संबंधित में बनेंगे, आपके क्वेश्चंस जो भी आएंगे आगे। तो इसमें बात करते हैं हम लोग कि जिस संदर्भ में भी चर्चा में, एक सामान्य पृष्ठभूमि भी देख लेंगे और एक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 क्या है उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 खा क्या है उस पर भी बात करेंगे। इसमें सरकार का पक्ष क्या है और आवासीय न्यायालय के मार्ग में चुनौतियां क्या हो सकती हैं और इसका महत्व क्या है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 ने जहां एक ओर न्यायालयों के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है, तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक न्यायिक सुधारों का अवसर भी प्रदान किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था को इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक सदी पूर्व स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के पास ऐसे हालात न्यायिक कार्य करने का पर्याप्त अनुभव रहा है। इस विपदा के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के बाद न्यायालयों ने न्यायिक कार्यों को पुनः करने के लिए आवासीय न्यायालय या फिर ई सुनवाई जैसी तकनीकी दक्ष प्रोटोकॉल अपनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया है। हालांकि वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने यह घोषणा की थी कि यह सर्वोच्च न्यायालय व्यवहारिक रूप से कागज का प्रयोग किए बिना न्यायिक कार्य प्रारंभ करेगा, परंतु साइबर तकनीक को अपनाने के मामले में आकांक्षा को के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी वायरस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए जिंदगी में, उससे हमें सीख मिलती है, उससे हमारी जिंदगी में बदलाव भी होता है। अब कोरोना से आप समझ रहे हैं कि पूरा समाज प्रभावित है, पूरे देश प्रभावित है, कोई इससे नहीं छूटा हुआ है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप लोग ऑनलाइन आपके घर से काम करने की बात कर लीजिए, फिर चाहे ऑनलाइन शिक्षा की बात कर लीजिए, फिर चाहे आपकी दैनिक जीवनचर्या में भी बदलाव आ रहा है। पहले आपने देखा होगा कि कोई हाथ नहीं धोता था, अब हाथ धोने लगे हैं लोग, मास्क लगा के जाने लगे हैं बाहर, क्योंकि वायु इतनी प्रदूषण हो चुकी है कि कुछ दिन बाद आपको खुद अपनी सेफ्टी रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही आप देखना कि बहुत बहुत कुछ बदलाव हो चुकेगा। और आप भी जानते हैं कि WHO कह चुका है कि ये कुछ टाइम का वायरस नहीं है, इससे हमारी लंबी दोस्ती हो गई है तरह की, और लंबे समय तक हमारे साथ ये रहेगा, हमें इसके साथ जीना होगा। तो राष्ट्रभूमि की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने लोक जनहित याचिका PIL दाखिल कर यह अनुरोध किया कि राष्ट्रीय महत्व और संविधानिक महत्व के मामलों की पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, उनका सीधा प्रसारण भी किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संविधानिक महत्व वाले मामलों की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अनुमति भी दे दी थी। और आपने अभी सुना होगा कुछ ही देर पहले संसद को भी ऑनलाइन चलाने की बात की जा रही थी, घर से बैठ के वीडियो कॉलिंग। तो ये हो सकता है, आप वैसे भी जानते हैं कि संसद की जो भी कार्यवाही होती है वो वैसे भी टीवियों पर डाल दी जाती है, राज्यसभा लोकसभा टीवी पर, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि खतरा कोई रहता है, क्योंकि वैसे भी अगर साइबर का खतरा रहेगा आतंक का तो वैसे भी तो हो सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन उसकी डल ही जाती है, यूट्यूब पर देखते हैं आप लोग, तो ऐसे में भी वही रहता है। या फिर अपने साइबर सुरक्षा के अच्छे इंतजाम करना चाहिए और अपने ही यहाँ सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, जिससे हम लोग, अभी आपने देखा था जूम ऐप का प्रयोग किया जा रहा था वीडियो कॉलिंग के लिए जो चाइना का था, तो हमें अपना ऐप विकसित करना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की बात करें तो आवासीय न्यायालय की अवधारणा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को व्यापक और समग्र दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रिया को पायलट परियोजना के आधार पर शुरू करने का आह्वान किया। यह परियोजना कई चरणों में लागू की जाएगी। चूंकि न्यायालयों की खुली सुनवाई के संबंध में
संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 खा के प्रावधानों का अनुसरण किया जा सकता है। अब देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 है क्या, आखिर इसमें क्या बात की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 के अनुसार वह स्थान जहां कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या फिर विचारण के प्रयोजन से बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणता वहां तक प्रवेश कर सकेगी जहां की वह सुविधाजनक सुविधा पूर्वक उसमें एकत्रित हो सके। लेकिन यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या फिर विचारण के किसी भी विक्रम पर यह आदेश दे सकता है। न्यायालय द्वारा उस उक्त प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए गए कमरे या फिर भवन तक जनता अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को न पहुंचने दिया जाएगा। फिर आता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 खा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 खा के अनुसार वह स्थान जहां किसी वाद के विचरण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता हो तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारणता वहां तक पहुंच होगी जहां तक कि उसमें सुविधापूर्वक एकत्रित हो सके। लेकिन यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या फिर विचरण के लिए के विक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा कमरे या भवन तक जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहुंच नहीं होगी, वह उसमें नहीं आएगा या वो वहां नहीं रहेगा। इसमें सरकार का क्या पक्ष क्या है? आखिर राष्ट्रीय महत्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस तैयार कर न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे। अटॉर्नी जनरल द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस दाखिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखिल गाइडलाइंस के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से शुरू होने चाहिए और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालयों में लागू किया जा सकता है। इसमें संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव भी दिया कि न्यायालय की भीड़भाड़ को कम करने के लिए वादियों, पत्रकार, इंटर्न और वकीलों के लिए एक डिजिटल मीडिया रूम बनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह सिफारिश की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार लोकसभा या फिर राज्यसभा की तरह सर्वोच्च न्यायालय एक अलग चैनल की व्यवस्था कर सकता है। आपने देखा होगा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सलाह भी दी जाती है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी पर जो भी कार्यक्रम आते हैं, जो डिस्कशन होता है, उसे जरूर देखा जाए, बहुत बढ़िया रहता है, विस्तार से समझाया जाता है जो भी मामला रहता है। आवासीय न्यायालय के मार्ग में चुनौतियां आखिर क्या क्या है? न्यायालय के पास सामान्य बुनियादी ढांचे, भवन, विद्युत, फर्नीचर का अभाव है। ऐसे में आवासीय न्यायालय स्थापित करना दूर की कौड़ी सिद्ध होता दिख रहा है। भारत में इंटरनेट की गति बहुत कम है जिससे न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करना एक दुष्कर कार्य भी है। लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में वादी प्रतिवादी या फिर न्यायिक कर्मचारियों व अधिकारियों में तकनीकी जागरूकता का अभाव है। भारत में विभिन्न आयु समूहों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को उजागर करते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लॉकडाउन के बाद ई फाइलिंग और ई सुनवाई की प्रक्रिया को जारी न रखने का आग्रह किया है। परिषद ने बताया कि अधिकांश अधिवक्ता कमजोर पृष्ठभूमि से, जिनके पास ना तो संसाधन है ना ही ऐसी उन्नत तकनीक के अनुकूल शिक्षा है। इस प्रकार न्यायालय के कार्य का डिजिटलाइजेशन ऐसे लोगों को उनकी आजीविका से वंचित कर देगा। परिषद के अनुसार न्यायालय न्याय वितरण प्रणाली में जब तकनीक की जरूरत होती है तब वह सहायता कर सकती है, लेकिन तीनों संबंधित न्यायाधीश और वादी प्रतिवादी पक्षों के साथ तीन अलग अलग स्थानों पर बैठकर न्यायिक कार्यवाही को सुनते और निर्णय करने का प्रस्ताव समाज के आदर्श और व्यवहार से परे होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना कठिन है कार्य, जबकि न्यायालय की खुली सुनवाई में न्यायालय को खुले न्यायालय में वितरित किया जाता है।
ना केवल संबंधित पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में चर्चा तर्क दिए जाते हैं, बल्कि अन्य अधिवक्ताओं, मीडिया और विधिक पक्षकारों की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न होता है। न्याय केवल क्या ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। ऐसा भी देखने को मिला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान होने वाली सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा तय मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इसका महत्व क्या हो सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि खुले न्यायालयों की अवधारणा ऐसे समय में विकसित हुई थी जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी। हालांकि वर्तमान में तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। वैश्विक महामारी के बाद उपजी परिस्थितियों ने आवासीय न्यायालय की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक महामारी के बाद खुले न्यायालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दुष्कर है। ऐसे में आवासीय न्यायालय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बेहतर क्रियान्वयन कर सकता है। आवासीय न्यायालय की अवधारणा में प्रत्येक सुनवाई का समय निर्धारित किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं का अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा और न्यायिक मामलों में अनावश्यक विलंब भी नहीं होगा। आवासीय न्यायालय की अवधारणा में से अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली अनावश्यक हड़तालों से मुक्ति मिलेगी। आवासीय न्यायालय व ई सुनवाई से मामलों को तेजी से निपटाया जा सकता है, जिससे भारतीय न्यायिक व्यवस्था मुकदमों के बोझ से मुक्त होगी। आपने अभी देखा होगा, शूटिंग की बात की जा रही थी, फिल्मों में जो शूटिंग होती थी उसमें एक अच्छा उपाय किया गया है, छाता लगा के शूटिंग करने। वो कहा जाता है कि छाता खुला रहेगा, जब हम लोग छाता लगाए रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहेगा। ये मुझे अच्छा लगा, इस तरह की कोई सुविधा हो जाए समाज में तो दूरियां बनाई जा सकती हैं, कि एक छाता टाइप का कुछ हो जाए कि दूर दूर तक, तो इससे आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। अभी इतना ही कहूँगा कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, और कोरोना वायरस से हमारी लंबी लड़ाई रहने वाली है, ये बहुत जल्दी ना जाने वाला है, इससे इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए हमें। और अपने दिमाग की क्षमता अच्छे से रखिए और अपनी सेफ्टी रखिए, ठीक है।